नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं राफेल के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, राफेल 8 अक्टूबर को यानी कि आज इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया गया है फ्रांस में। तो इसी को लेके कुछ लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि राफेल के अंदर जो भी इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट है वो किस प्रकार के हैं उसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो वेग आइडिया है वो सबको है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये इंडियन स्पेसिफिक जो भी इन्हांसमेंट है वो किस प्रकार के हैं और किस तरह से मॉडिफाई होने जा रहे हैं। और इतना तो आप सबको पता ही होगा कि ये जो भी इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट हैं इनकी कॉस्ट पर राफेल पे 290 करोड़ के आसपास बैठी है। तो आइए डालते हैं एक नज़र, ये जो 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स है राफेल में, वो जो कि इंडिया के राफेल्स को एडवांस बनाने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंजन की। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसको फ्रांस में डिजाइन और डेवलप किया गया है और वैसी वेदर कंडीशन के अंदर इसे टेस्ट किया गया होगा। अगर मान भी लेते हैं कि इसमें लगे M88 इंजन को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर टेस्ट कर भी लिया गया होगा इसके डेवलपमेंट के दौरान, जो कि अमूमन हर इंजन करता है, लेकिन वहां पे भी जो टेस्टिंग होती है वो कुछ ही आवर्स के लिए होती है। बट दूसरी तरफ इसको एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में 24/7 लाइफ टाइम ऑपरेट करना है इंडिया में, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन ये झेलने जा रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इसके इंजन में मॉडिफिकेशन किए जाएंगे ताकि वो राजस्थान जैसे हॉट टेम्परेचर में भी ऑपरेट कर सके, वहीं पे दूसरी तरफ एक हायर ऑल्टीट्यूड पे LAC पे और LOC पे ऑपरेट कर सके, जहां पे टेम्परेचर भी आपके 0 के नीचे होते हैं। और अल्टीमेटली जैसे ही आप अपने फाइटर जेट का ऑल्टीट्यूड बढ़ाते हो तो आपको पता ही है ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ हर 1000 मीटर पे 6 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर गिरता है। तो अगर ये हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करेगा तो ये ऑब्वियस है कि टेम्परेचर वहां भी 0 के नीचे जाएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन के लिए लाइफ टाइम में ऑपरेट करने के लिए इसके इंजन को मॉडिफाई किया जा रहा है। और उसमें भी किस प्रकार के मॉडिफिकेशन होंगे उसकी अगर आप बात करते हो तो इसके इंजन में कुछ एडिशनल सेंसर भी लगाए जाएंगे जो कि इस इंजन की जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करेगा, और इन्हें बोलते हैं इंजन कंडीशन ट्रेंड मॉनिटरिंग सेंटर। तो इस तरह के सेंसर्स को लगा के आप अपने इंजन के जो हेल्थ है उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो इंजन मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इंजन के कोर में या फिर डिजाइन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका जो भी थ्रस्ट डेवलप हो रहा है उसमें कुछ वेरिएबल्स आएंगे, वैसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन इसके इंजन को डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एक लंबे ड्यूरेशन में रखने के लिए कुछ सेंसर्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन होंगे जो कि इसके FADEC को कंट्रोल कर रहे होंगे, और अकॉर्डिंगली जो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो बाईपास टेम्परेचर या फिर जो वैल्यू है उसको सॉफ्टवेयर और सेंसर्स की हेल्प से निर्धारित किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम FADEC की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है फुल्ली अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, तो ये जो FADEC सिस्टम होता है स्पेशली राफेल का, तो वो राफेल को नॉर्मल ड्राई थ्रस्ट डेवलप करने से लेके आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट तक पहुंचाने में सिर्फ 3 सेकंड लेता है। मतलब 3 सेकंड के अंदर ये एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक बनाने में मदद करता है। और वहीं पर राफेल में कोल्ड वेदर में ऑपरेट करने के लिए एक वेदर रडार होगा जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और ये वेदर रडार बेसिकली आपके पायलट को बता देता है कि आगे टेम्परेचर और गिरने वाला है, और उसकी वजह से आप अपना जो हीट ब्लैंकेट मोड है उसे आप ऑन कर लेते हो और आप एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ऑपरेट करने में सक्षम हो जाते हो। अब बात करते हैं सेकंड मॉडिफिकेशन की, वो है इसमें वेदर रडार के एडिशन को लेके जो कि इसके नोज पे होगा। और ये जो वेदर रडार्स होते हैं ये बेसिकली डोपलर रडार्स होते हैं और कैपेबल होते हैं आपको ये बताने में कि आगे किस प्रकार का वेदर है, और उसको भी और स्पेसिफिक करते हैं। मान लो अगर बारिश हो रही है तो बारिश की डेंसिटी कितनी होगी, प्रिसिपिटेशन किस तरह का है, तो इस तरह की कुछ चीजें बताने में ये रडार कैपेबल होगा। और टिपिकली इस तरह के रडार एंटीना एयरक्राफ्ट के नोज पे लोकेट होते हैं और उसके द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा पायलट की तरफ पहुंच रहा होता है। तो एक तरह से डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट वेदर में किस तरह का टर्बुलेंस होने वाला है, तो ये सारी चीजें ये पायलट को भेजने में सक्षम होता है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन की, जो कि सबको ही पता होगा, और वो है इंडिया का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। इसको लेके जो राफेल की कंपैटिबिलिटी है वो बनाई जाएगी और उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी IRNSS के साथ साथ इसकी जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाई जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट इन्हेंसमेंट की, तो वो है इसके ऑक्सीजन जनरेटर को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, एक लोअर ऑल्टीट्यूड पे स्पेशली इस रीजन में डिफरेंट तरह के पर्टिकुलेट मैटर मिले हुए हैं, तो उस चीज को एडिशनल फिल्टर करने के लिए, अच्छे से फिल्टर करने के लिए इसका जो ऑक्सीजन जनरेटर है उसमें एडिशनल फिल्टर लगाया जाएगा जो कि इंडियन एयर कंडीशन के अकॉर्डिंग एयर को फिल्टर करके ऑक्सीजन बनाएगा। बात करते हैं अगले मॉडिफिकेशन की, तो वो है स्पाइस मिसाइल के इंटीग्रेशन को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, स्पाइस मिसाइल का इंटीग्रेशन इसके रेल पायलन से की जाएगी, जहां पे इसके जो भी डेटा लिंक है या सॉफ्टवेयर है उनको इससे इंटीग्रेट किया जाएगा, और वो किस तरह से लिंक 16 के साथ ऑपरेट करते हैं, तो इन सभी चीजों को इंश्योर किया जाएगा। बात करते हैं अगले इन्हेंसमेंट की, तो वो है
इंडिया का जो अपना बियॉन्ड विजिलेंस मिसाइल है अस्त्रा, उसके इंटीग्रेशन के साथ साथ जो और भी वेपन होंगे जो भारत ने डेवलप किए हैं, चाहे वो 500 केजी का बॉम्ब हो, तो इस तरह के वेपन इंटीग्रेशन के लिए टेक्निकल सपोर्ट डसो देगा, जिसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व है क्योंकि मैन पावर इन्वॉल्व है। बात करते हैं अगले एनहांसमेंट की, तो वो है IAF का ट्राइड एंड ट्रस्टेड लाइटनिंग पॉड, जिसे G4 के नाम से भी बताया जाता है। और इस तरह के लाइटनिंग पॉड IAF के मोस्ट ऑफ द फाइटर जेट्स पे है, तो ऐसा अनुमानित है कि इस लाइटनिंग पॉड को भी इस पे इंटीग्रेट किया जाएगा। वहीं पे बात करते हो इसके स्पेक्ट्रा सिस्टम की, तो उसमें भी इन्हेंसमेंट किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, राफेल का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है स्पेक्ट्रा सिस्टम, वो काफी एडवांस माना जाता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेंसर्स अपना रोल निभाते हैं, चाहे वो रडार वार्निंग रिसीवर हो, इंफ्रारेड सेंसर हो, चाहे वो लेजर वार्निंग रिसीवर हो, तो इन सब की रेंज पे काम किया जाएगा। और जो अभी करंट स्पेक्ट्रा में ये जो सेंसर्स है और इनकी जो रेंज है, उस पे इंडिया वाले राफेल में एक एडवांस वर्जन आपको मिलने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम है, जिसमें आप स्पेशली एलनिट की बात करते हो, तो उसकी मैक्सिमम रेंज 222 किलोमीटर है अभी। और वहीं पे जो डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है, उस पे भी काम किया जाएगा। जहां तक बात करते हो उसके रडार की, इसका रडार जो RBE-2 है, उसकी रेंज 200 किलोमीटर के अराउंड है मैक्सिमम रेंज, और वहां पे भी जो लो प्रोबेबिलिटी टू इंटरसेप्ट है, उस पे काम किया जाएगा। वहीं पर अगर आप बात करते हो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की, जिसकी रेंज अभी करंट में 9.3 किलोमीटर है, मतलब 9.3 किलोमीटर पहले अगर आपकी तरफ कोई मिसाइल बढ़ रही है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। तो ये सारे सेंसर्स मिला के स्पेक्ट्रा सिस्टम बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है स्पेक्ट्रा, उस पे काम किया जाएगा और उसको और इम्प्रूव किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसमें जो नया सिस्टम लगने जा रहा है, वो है इसका एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक्स डिकॉय सिस्टम। तो बेसिकली ये डिकॉय सिस्टम आपके जो एयरक्राफ्ट है उसके विंग के नीचे लगा होता है, और जैसे ही कोई एनिमी का सर्फेस टू एयर या फिर एयर टू एयर मिसाइल आपको अप्रोच कर रहा होता है, तो ये जो आपका एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम है, ये आपके विंग से रिलीज हो जाता है, लेकिन आपके एयरक्राफ्ट के साथ जुड़ा रहता है, और ये एक तरह से आपके एयरक्राफ्ट के सिग्नेचर को इम्युलेट करता है। और उससे क्या होता है, जो भी आपके दुश्मन की जो मिसाइल आपको अप्रोच कर रही होती है, वो तो आप सबको पता ही होगा कि तकरीबन 5 से 6 फीट पहले प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है, उसको इग्नाइट कर देता है। तो वो आपके डिकॉय सिस्टम के 5 से 6 फीट पहले ब्लास्ट कर जाएगा, और आपका जो फाइटर जेट है वो बच जाएगा। और एक बार जब ये हो जाता है, तो ये जो आपका एक्स गार्ड सिस्टम है, ये वापस से आके आपके विंग के अंदर लग जाता है, और आपके फाइटर जेट को नुकसान इसलिए नहीं होता है कि आपके फाइटर जेट से ये जो डिकॉय सिस्टम है एक सर्टेन डिस्टेंस पे होता है। तो ये ऐसी तब कंडीशन बनती है जब आप किसी भी तरह से कोई भी इनकमिंग मिसाइल को इवेड नहीं कर पाते हो, तब तो आप तुरंत उस कंडीशन में इसको डिप्लॉय करके अपने आप को सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर इन्हेंसमेंट किया जाएगा, और वो है एल्बिट द्वारा निर्मित एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होने जा रहा है, इसमें कुछ स्पेशल फीचर होंगे, जैसे कि ये 20 डिग्री का सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू देने में सक्षम होगा, वहीं पे क्लिक ऑन नाइट विजन गॉगल्स को भी यूटिलाइज करने में सक्षम होगा, और इसकी जो एक्यूरेसी है उसको और भी इम्प्रूव किया गया है, और उसमें ऑप्टिकल के साथ साथ जो इनर्शियल ट्रैकर्स हैं, मोशन ट्रैकर्स, उसको भी ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की जो रिडंडेंसी है उसको ऑप्टिमल बनाया जाए। और ये जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, ये डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर के साथ फ्लेक्सिबल भी है, वहीं पे वर्चुअल ट्रेनिंग देने में भी ये सक्षम है। और जो सबसे मेन पार्ट है इस एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का, इसमें एक एडिशनल फिल्टर है ऑक्सीजन के लिए, और वहीं पे ये जो HMD है वो कम पावर कंज्यूम करने जा रहा है, जो कि हेल्प करेगा एक कम पावर में जो भी आपके फाइटर जेट का एवियोनिक्स डिस्प्ले है उसको आपके हेलमेट के ऊपर लाने में। सो बेसिकली पायलट्स अपने रेटिना के मोमेंट से टारगेट को लॉक कर पाएंगे। तो बात करते हैं अगले एनहांसमेंट की, तो वो है एक 3-axis एक्सेलरेशन सेंसर। तो बेसिकली इस तरह के जो भी सेंसर्स होते हैं, वो आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उनको स्टैंड बाई पे रखने में सक्षम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइंग कंडीशन में, चाहे आप हाई एंगल ऑफ अटैक पे ऑपरेट कर रहे हो या फिर लो ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर रहे हो। तो बेसिकली इस तरह के सेंसर्स आपके फाइटर जेट में जो भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, जो कि एयर के डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके नीड को एलिमिनेट कर देते हैं ये, जिससे कि आप हाई इंटेंसिटी रेडिएशन फील्ड से बच पाते हो। तो बेसिकली ये जो हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड्स होते हैं, ये आपके इंस्ट्रूमेंट को हार्म कर सकते हैं डिफरेंट वेदर कंडीशन में, तो उस चीज से ये आपको बचा लेता है। और ये जो हाई इंटेंसिटी रेडिएटिंग फील्ड्स होते हैं, ये आपके इंस्ट्रूमेंट के गर्म होने के बाद उनमें से नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होते हैं, उनको बोला जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए ये सेंसर्स आपको इम्यूनिटी प्रदान कर देते हैं। बात करते हैं अगले इम्प्रूवमेंट की, तो वो है इसके टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम, जिसे आप ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम भी बोलते हो, ये कुछ स्पेसिफिक सेंसर्स का यूज करके आपके टेरेन्स की क्या कंडीशन है और कितने क्लोज जा रहे हो
उसकी जानकारी आपको देता रहता है। जैसे कि कोई सामने माउंटेनियस एरिया आ गया तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर कोई ओशन रिवर ऐसे कुछ टेरेन्स आ गए तो उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी ये देते हैं इस प्रकार के सेंसर्स। तो अमूमन इस प्रकार के सेंसर्स कमर्शियल एयरलाइंस पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे राफेल में भी ये दिए जाएंगे और इसमें लगाया जाएगा क्वाड पैक इजेक्टर्स, जो कि बेसिकली किसी भी तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी इस पे डिप्लॉय करने के काबिल बनाएगा। और ये बेसिकली इंडिया और इजराइल जो मिलके DEW बना रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के वेपन को कैरी करने के लिए इसको कैपेबल बनाया जाएगा। तो कुछ इस तरह के इन्हांसमेंट इसमें होने जा रहे हैं। जहां तक बात है मीटियोर की, तो मीटियोर का जो पहला इंटीग्रेशन है राफेल पे वो 2012 में किया गया था, और उसके बाद इसको पहली बार गाइडेड फायरिंग के अंतर्गत 2015 में फायर किया गया था। जहां तक बात है ट्रायल्स खत्म होने की, तो इसका ट्रायल मीटियोर के साथ 2018 में ही खत्म हुआ है, और अब जाके ये 2019 के जून में राफेल कम्प्लीटली रेडी है मीटियोर के साथ किसी भी वॉर कंडीशन में जाने के लिए। तो ये थे कुछ इंडियन स्पेसिफिक फीचर्स जिसके लिए ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज पर जेट इन्वेस्ट किए गए हैं। तो इसीलिए इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ जो आपको पहला राफेल है वो 2021 के मिड तक आपको मिलेगा। वैसे तो राफेल फाइटर जेट्स आपको 2020 के मिड तक भारत में दिखेगा उड़ता हुआ, जो कि उसके अंदर जो भी इन्हांसमेंट फ्रांस में करने होंगे वो करके आ चुके होंगे, लेकिन जिन कंपोनेंट में इन्हांसमेंट बच जाएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो कम्प्लीट इन्हांस होके 2021 तक पहला जेट तैयार होगा जो कि इंडियन स्पेसिफिक फीचर के साथ लैस होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।